नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं पूजा शर्मा आपके साथ। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादल की अधिकार दिल्ली सरकार को होना चाहिए, लेकिन यानी उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ही दिल्ली का असली बॉस होगा। अब दरअसल जो केंद्र सरकार है उसने 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन किया था, उसमें दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ और अधिकार दे दिए गए थे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अब आपको बताते चलें कि जो दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है और 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। इसमें उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्ति दी गई थी। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।